दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि IPOs में आज के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेनको गोल्ड लिमिटेड कंपनी के IPO की। दोस्तों ये IPO 4 से 6 जुलाई के बीच ओपन था। अप्लाई करने के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू था। 317 रुपये में आपको एक शेयर मिलने वाला है, और इसका अलॉटमेंट कल यानी 11 जुलाई को आता हुआ नजर आएगा, और इसकी लिस्टिंग 14 जुलाई को मार्केट में होती हुई नजर आएगी। दोस्तों अगर प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 114 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 317 रुपए में आपको एक शेयर मिलेगा। 114 रुपए के प्रीमियम के साथ ये IPO करीब करीब आप देखें तो करीब 431 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीब करीब 32% के आसपास का प्रीमियम इसमें आज के दिन देखने को मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक प्रीमियम मिल रहा है। और दोस्तों शुरू में ही मैंने बताया था कि 30 से 50% का प्रीमियम आपको देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट काफ़ी ऊपर है तो ये IPO 50-60% का भी प्रीमियम आपको देता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट IPO की बात करें तो वह है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO, और दोस्तों ये IPO 12 से 14 जुलाई के बीच ओपन होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है। 23 से 25 रुपये प्राइस में, 25 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा। 600 का लॉट है, और दोस्तों इशू साइज़ की बात करें तो 500 करोड़ का टोटल इशू है, और सारा इशू फ्रेश इशू के जरिए लाया जा रहा है, यानी कि सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। बुक बिल्ड इशू है, और BSE SME में ये IPO लिस्ट होता है, BSE और NSE दोनों में ये IPO लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगर बात करें प्रीमियम की तो यहाँ पर 13 से 14 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा है, यानी 25 रुपये का ये IPO जो आपको मिलेगा 14 रुपये के प्रीमियम के साथ करीब 39 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीब करीब यहाँ पर देखा जाए तो 60% के आसपास तक यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस IPO में भी दोनों बेसिस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह रहेगी, और दोस्तों इस पर डिटेल एनालिसिस के लिए एक वीडियो मैं आपको कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट IPO की बात करें तो नेट वेब टेक्नोलॉजीज का लिमिटेड का IPO है। दोस्तों नए IPO की अभी एक्सपेक्टेड डेट आई है। ये IPO जो है 17 से 19 जुलाई के बीच ओपन होने की संभावनाएं हैं। अभी कंफर्म ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर अभी ऐसी बाजार में जो डेट आती है एक्सपेक्टेड वो यहां पर जरूर आती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसका प्रीमियम तो नहीं आया है, लेकिन सब्जेक्ट टू रेट आप देख सकते हैं 7,000 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये IPO भी अच्छा खासा प्रीमियम देता हुआ नजर आ सकता है जब इसकी डेट्स वगैरह आएंगी और डिटेल्स आएगी तो और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO का प्रीमियम आज के दिन 82-83 रुपये के आसपास चल रहा है, अभी डेट्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों जो भी जानकारी है वो मेरे अनुसार है, और अगर कुछ भी करते हैं आप प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आपको दूंगे। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। धन्यवाद।